खबरें हैं अशोकनगर में आज जो सुर्खियों में रहने वाली हैं। अशोकनगर की खबरों की बात की जाए तो अशोकनगर में आज ललितपुर से इंदौर एक स्लीपर बस जा रही थी, यहाँ पे समुद्री के पास में दो घंटा क्रैश हो गई है, उसमें 30 से 35 लोग सवार हुए थे, लेकिन शुक्रह की वापस कुछ ज्यादा घायल नहीं हुई, मामूली से छोटे आए थे, कुछ लोग स्वास्थ्य प्राथमिक से ही घर चले गए, बाकी जो घायल है उनको जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिले में एक कल भी बहुत बड़ी घटना घटी थी और आज फिर वही घटना घट गई है। और दूसरी बात करी जाए तो आज से अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी चालू हुई है अशोकनगर में सभी जगह पे जी बोर्ड पैटर्न को लेकर। और एक तीसरी खबर और है, 2 तारीख को वन विभाग जो डिप्टी रेंजर है वो सब बीला खेड़ी जो मूला डैम के क्षेत्र में आता है, सब लोग वहां पे जो अतिक्रमण था लोगों ने किया था, वन विभाग रेंजर गए हुए थे, उन पर हमला हुआ था, इसी को लेकर कुछ आदिवासी समुदाय से जो लोग आते हैं उन्होंने कलेक्ट्रेट में गए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था और इसी मामले को लेकर आज 3 लोगों पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। उसमें 353, 326 और 166 के तहत 3 लोगों पर आज कार्रवाई हुई है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।